हेलो दोस्तों, गेयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेनॉल्ड्स लॉ। तो रेनॉल्ड्स लॉ क्या है और वो कैसे क्या समझाएगा वो अभी देखते हैं। देखिए, रेनॉल्ड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी देखिए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसी का निकालते हैं और स्पेसिफिक है हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसी का निकालते हैं, और ये स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता गया है कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट निकालता हूं वाटर की, 1 किलोग्राम का मेरे पास पानी है मान लेते हैं, और उसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, और ये काम करना है मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर कैसे कांस्टेंट होगा? अगर मैं इसके ऊपर कोई देखिए यहां पे पिस्टन लगा देता हूं और अगर इसको गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, अगर इस पिस्टन को रोक के रखूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं इस प्रेशर को जो कांस्टेंट रखने के लिए इसको मूव करूंगा ऊपर, लीड इस लेड को, इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करूंगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसा करता हूं तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मेरे पास सीपी निकल जाता है कि कितना है, और दूसरी तरफ सीवी, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रखता हूं किसी चीज का, कि इसी पिस्टन को मैं जो यहां पिस्टन लगाया था, इस पिस्टन को मैं यहां पे बंद कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं बस, कि ये अभी हिलेगा नहीं, और नीचे से इसको पानी को गर्म करता हूं, तो 1 किलोग्राम का पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तो कितनी हीट लेगा, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि रेनॉल्ड लॉ क्या कह रहा है कि चाहे रेनॉल्ड लॉ इस तरह से कि सीपी और सीवी उनकी वैल्यू फिक्स होगी, इट विल नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक बार अगर मैं वैल्यू निकाल ली सीपी और सीवी की, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर चाहे चेंज होता रहे या टेम्परेचर चेंज होता रहे, इस दोनों के चेंजेस से हमारे सीपी और सीवी की वैल्यू पे कोई असर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सीपी और सीवी की वैल्यू ऑफ अ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो हमें टेंशन नहीं है। तो रेनॉल्ड लॉ हमें हमें बता दिया, टेंशन ना लो, सीपी की वैल्यू निकालो, सीवी की वैल्यू निकालो, जितनी एक बार सीपी की सीवी की वैल्यू किसी भी गैस की निकल गई हमारे पास, तो उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो यही हमारे पास ये कहता है रेनॉल्ड लॉ।